ताजमहल या तेजो महालय? अब हो जाएगा अंतिम फैसला। जल्द ही खुल जाएंगे संगमरमर की दीवारों के भीतरी राज। ताजमहल मोहब्बत की निशानी या महादेव का मंदिर? दुनिया का सातवां अजूबा, संगमरमर की नायाब कारीगरी, दुनिया के सामने मोहब्बत की जीती जागती निशानी, जिसे कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की यादों में बनवाया था। दुनिया के कोने कोने से सैलानी आगरा के ताज का दीदार करने आते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि दुनिया आगरा की इस चमकदार इमारत को तेजो महालय के नाम से जानेगी, जिसे इतिहास में मुमताज महल का मकबरा बताया गया। उसी मकबरे के तहखानों के अंधेरे में अब भगवान शिव की मौजूदगी का मजबूत दावा किया जा रहा है। क्या ताजमहल का अस्तित्व अपने आखिरी दौर में है? क्या ताजमहल के भीतर सूफियानी सुरों की जगह अब भगवान शिव की आरती गूंजेगी? काशी की ज्ञानव्यापी की तरह ही इतिहास के धूमिल पन्नों में दर्ज दस्तावेज कुछ और कहते हैं? क्या सदियों पहले शिव के महल को तोड़कर दुनिया के सामने ताजमहल नाम का सातवां अजूबा बनाया गया? ये कई सवाल ऐसे हैं जिन्हें लेकर समय समय पर बातें उठती आई हैं, लेकिन अब इस इमारत के इतिहास को लेकर बहस तेज हो गई है। ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का मुद्दा रफ्तार पकड़ रहा है। आगरा नगर निगम सदन में इस पर चर्चा के लिए भाजपा के पार्षद शोभा राम राठौर ने चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिसे लेकर तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा सकेगा। आगरा के ताजगंज वार्ड नंबर 88 से बीजेपी पार्षद शोभा राम राठौर ने तथ्यों के आधार पर ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर आगरा नगर निगम सदन में चर्चा की जानी है। सदन में मैं लगाया कि ताजमहल तेजो महालय है और इसके मेरे पास जो का है प्रमाण है। ताजमहल में जो का है कमल कलश और नाग नागिन के जोड़े काफी कुछ प्रमाणित है। पार्षद शोभा राम राठौर ने जिन तथ्यों के आधार पर ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग की है, उसमें उन्होंने तर्क देते हुए बताया कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल का असली नाम अंजुम बानो था। अंजुम बानो की मौत ताजमहल के निर्माण से 22 साल पहले ही हो चुकी थी, जिन्हें बुरहान में दफनाया गया था। लेकिन मुमताज की मौत के 22 साल बाद जब ताजमहल बना तो दोबारा उनकी कब्र बनवाई गई। ताजमहल का इतिहास 390 साल पुराना है। 1632 में बनकर तैयार हुए ताजमहल का तथ्यों के आधार पर नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग समय समय पर होती आई है। आगरा नगर निगम के महापौर नवीन जैन के मुताबिक आगरा नगर निगम के पास वो अधिकार नहीं है जिसके बलबूते ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय कर दिया जाए, लेकिन नगर निगम की सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा, जहां इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। ताजमहल को तेजो महालय घोषित करने को लेकर समय समय पर मांग होती रही है। इससे पहले भी इमारत के भीतर मौजूद 22 कमरों को खुलवाने की मांग की जा चुकी है। वर्ष 2015 में 7 लोगों के एक समूह ने आगरा में सिविल कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। याचिका में हिंदुओं को ताजमहल के परिसर में पूजा करने के लिए प्रवेश की अनुमति मांगी गई थी। 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से पूछा, ताजमहल समाधि है या शिव मंदिर? ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया था। वहीं इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज में ताजमहल को हिंदू मंदिर बताया था। हालांकि यह फैसला अब केंद्र सरकार को करना है।